नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि कौशल और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक। हम अभी पंजाब की यात्रा पे हैं और बीच में हम पटियाला में लेबर चौक पे हमने कई सारे सैकड़ों की तादाद में बैठे हुए मजदूरों को देखा, तो हमने बात की कि यहां पे तमाम चुनावी मुद्दों के बीच में बेरोजगारी एक मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा है। ये बात इसलिए भी जानना जरूरी है कि बेरोजगारी ये यहाँ पे ही नहीं है, इस लेबर चौक पे ही नहीं है। अगर इसके बिल्कुल बगल में जाए तो यूनिवर्सिटी कैंपस है जहाँ पे पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है, तो पंजाब में पढ़ा लिखा बेरोजगार है, पंजाब में अनपढ़ बेरोजगार है, लेकिन इसकी बात चुनावों में कहीं नहीं है। यहाँ पे कितने दिन आप लोगों को काम मिलता है? महीना में 10 दिन बहुत हो गया, वो भी पैसा भी काम जो करते थे पैसा भी बहुत परेशानी से मिलता है, माला ठेकेदार देने के लिए नहीं चाहते हैं। जैसे मान लीजिए हफ्ता महीना में तो 30 दिन है, आपको 10 ही दिन काम मिला तो 20 दिन आप लोग कैसे खर्चा चलाते हैं? अब उसी 10 दिन जो कमाते हैं उसी में से खा लेते हैं नमक रोटी मिला के। नहीं, लेकिन घर परिवार भी तो चलाना है। जिहड़ा इह अज पंजाब दे विच अनएम्प्लॉयमेंट दा चल रहा, यह बड़ा वड्डा क्राइसिस आ, क्योंकि इहदे बारे कोई भी गवर्नमेंट नहीं सोच रही हैगी। मैनूं यूनिवर्सिटी च आए नूं 7 साल हो गए, लगभग 7 साल तो लगातार इसे आस ते पढ़ते रहे भी कदे हायर एजुकेशन दे विच डिपार्टमेंट दे विच पोस्ट आउणगीआं। उस तो पहला असीं नैट की प्रैपरेशन की, नैट भी एक टफ टैसट है, उहनूं असीं क्लीयर किया। उस तो बाद असीं इहदी वेट की कंटिन्यू, उदों तो ही पढ़ाई कर रहे हैं लगातार 7 साल हो गए सानूं। उस तो पहला भी, चल यूनिवर्सिटी तो पहला भी मेरी मास्टर है जी बठिंडे की है, मेरी ग्रैजुएशन भी बठिंडे की है। उस तो बाद इतने कंटिन्यू एक तुसी कह सकते हो हम बठिंडे तो मैं इतने रहना गा, मेरा खर्चा भी हो रहा गा, मेरी टाइम की वेस्टेज भी लग रही है। हुण तो जिस तरह रुजगार जो नहीं मिल रहा थोनू तो यह टाइम की वेस्टेज भी है। इस तरह देख सकते हो भी किस तरह साढ़े पल की पै रहा है, तो असं इनपुट्स की दे रहे हैं आपदे आप। हुण तो सानू भी यह लगता भी जे भर्ती सिरे ना लगी तो सानू भी उही रस्ता अपनाना पऊगा जिहड़ा पंजाब दा अजकल ट्रेंड है, बाहर जाना विदेशों नू जाना। मैनू ये लगता जिहदे कोल पैसा है वह मतलब जिहदे नहीं रुजगार मिले घट्टो घट्टो बाहर चल जूगा। हुण मेरे वर्गा जो गरीब बंदा है जिहदे कोल ना ही पैसा वह बंदा बाहर नहीं जा सकता, पैसा नहीं है कोई बिजनेस नहीं शुरू कर सकता। साढ़े पल्ले सिर्फ एक मेहनत है, पढ़ाई है, जो पढ़ाई करके सानू रुजगार नहीं मिलता फिर असीं किहड़े रस्ते जावांगे। पर इवें बहुत दुख हुंदा है भी इन्ना असीं पढ़ के रातां नू लाइब्रेरी दे विच, बहुत मतलब गर्मी सी इन्नी ज्यादा, फिर ना रोटी का देखना ना चाह पानी का, बस सुबह आना रात नू एक बार जाना बस नहा के फिर पढ़ना, सारा दिन पढ़ना पढ़ना पढ़ना, होर कोई काम नहीं सी हुंदा। इन्नी मेहनत के बावजूद भी जे सानू नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर मतलब मेहनत तो ही साडा यकीन उठ जाऊगा। जे इलेक्शन की गल करिए मतलब जिहड़ी भी पार्टी है वह उन्होंने को मुद्दे सिर्फ यही ने भी हरेक औरत 2000 रुपए, हरेक औरत 1000 रुपया, जिहड़े स्टूडेंट ने बाहर जाना चाहते ने उन्होंने फ्री आयल्स, जिन्होंने आयल्स की मतलब करनी है उन्होंने फ्री लैपटॉप्स देणगे स्टडी मटीरियल दे लई मतलब पढ़न दे लई। पर इन्होंने अजिहा मुद्दा कोई भी नहीं बनाया भी जिन्होंने एग्जाम क्लीयर किए हुए ने भी उन्होंने असं पहल के आधार पर पहले नौकरियां देवे। अनएम्प्लॉयमेंट की कोई गल ही नहीं कर रहा, पिछले 5 सालों के कोई भर्ती नहीं हो सकी, यदि कोई भी पार्टी गल ही नहीं कर रही। वो जिम्मे तुम कह रहे हो भी परसनैलिटी बेस इलैक्शन बनाए जा रहे हैं जोड़े जैनुअन मुद्दे ने। हुण सानू तां इहदे नाल कोई फर्क नहीं पैंदा, उत्थे नवजोत सिद्धू लड़दा है जां मजीठिया लड़दा है जां चन्नी दे भरा नूं टिकट नहीं मिलदी, ये इशू नाल साडे नाल सानू कोई कंसर्न नहीं हैगा। सानू तां ये है भी साडे जिहड़े असीं तैयारी करदे हां उहनां नूं रुजगार मिले। यही मुद्दा तां यही उठना चाहिए, सरकार जिवें कुछ ना कुछ दे के उहनां 'च उलझा रही आ भी इन्हां नूं आ देता, इन्हां नूं उह देता, फ्री फोन देते, फ्री आ देता, झूठे वादे कर रही आ। मेन इंप्लॉयमेंट की गल कोई कितें नहीं हो रहीगी, सारे जिहड़ा यूथ आ वो बाहर नूं जा रहा गा, कोई पुठे सीधे स्टैप लै रहा, कोई सुसाइड कर रहा। पंजाब दे विच इह मुद्दा तां नहीं बन रहा क्योंकि पंजाब की राजनीति दे विच स्टूडेंट्स की कितें पार्टिसिपेशन नहीं हैगी। जे कितें ना कितें स्टूडेंट्स की विद्यार्थियों की पार्टिसिपेशन होवे तां उह विद्यार्थियों दे विच चोणां दा मुद्दा बने, क्यों वह चोणों के उन्हों की शमूलीयत क्यों नहीं हैगी? क्योंकि पंजाब दे विच 83 तो लैके 1983 तो लैके जिहड़ी इलैक्शन बंद हो चुकी है। जे पंजाब दे विच इलैक्शन शुरू हुंदी है कॉलेजों दे विच यूनिवर्सिटी विच तां जिहड़ी विद्यार्थी लीडरशिप हैगी वह अगे आवे ते वह स्टूडेंट्स के मुद्दे चक्के ते विधानसभा तक उन्हां नूं लैके जावे ते उन्हां दा कोई ना कितें कोई हल हो सकदा।
ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਮਤਲਬ ਵੋਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਖਾਤਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਰਡ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ਖਾਤਰ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੇ ਪਟਵਾਰੀ ਹੋਣ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ETT ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ BEd ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਹੋਵੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਸਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਕੈਮ ਵੀ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਸਕੈਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ 3-3 ਸਾਲ 4-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਹ ਰੀਡਿੰਗ ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2, 3-3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3-3 ਪੋਸਟਾਂ 'ਚ ਸਿਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ C-grade ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਇੱਕ A-grade ਦੀ ਪੋਸਟ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜੇ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾਤੀ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੈਕਟਿਡ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋਬ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੌਣ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਬਣਨਾ ਪਊਗਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ MA 6th study ਅਤੇ ਦੈਨ ਨੈੱਟ ਕੁਆਲੀਫਾਈ 3 times ਟੋਪਰ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਰਿਹਾਗਾ ਮੈਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PhD ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ETT ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ